नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा GDS रिजल्ट 2023 के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा, यहाँ पर एक वैकेंसी आई थी 12,828 पे, यहाँ पे जो इस पे भर्ती होने वाली थी, ठीक है। यहाँ पर जो एक कब रिजल्ट इसका आने वाला है, कितना इसका कट ऑफ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है फर्स्ट लिस्ट कब तक जारी की जा सकती है, करेक्शन रिलेटेड जो भी यहाँ पर आपके डाउट्स थे, जो आपने क्वेश्चन पूछे थे, उन सब के यहाँ पर जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहेगा ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस ना हो जाए। चलते हैं हम लोग इसके ऑफिशियल वेबसाइट की ओर। उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर अभी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लेगा ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट जॉब मिस ना हो जाए, सबसे पहले आपको जॉब अपडेट्स मिलती रहे। सबसे पहले आपको यहाँ पर GDS जो है वो टाइप कर देना है। फर्स्ट वेबसाइट आपको दिखेगी, इस पर आपको चले जाना है। जैसे आप यहाँ पर इस पर जाएंगे, यहाँ पे आपको एक जो है नोटिफिकेशन दिखेगा, यहाँ पे जो है आपको इस तरीके से चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सटेंशन टू मणिपुर कैंडिडेट एप्लीकेशन सबमिशन टू ओपन फ्रॉम 28 से 8/7/2023 तक। अब यहाँ पर इतना टाइम क्यों दिया गया हो तो आपको पता होगा, वहाँ पर अभी यहाँ पर दंगे वगैरह चल रहे हैं, तो वहाँ पर जो इंटरनेट है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो है समय दिया गया हुआ है 28 से लेकर यहाँ पर जो 8 तारीख तक इसको ओपन यहाँ पर जो फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सिर्फ मणिपुर के जो कैंडिडेट्स हैं उन लोग के लिए ही यहाँ पर ये ओपन किया गया हुआ है। अब यहाँ पे कब तक लिस्ट आ सकती है, तो बिल्कुल यहाँ पर जो है 10 जुलाई 15 जुलाई से पहले आपकी फर्स्ट लिस्ट जारी कर दी जाएगी, ठीक है, GDS की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हैं, इसकी अगर हम लोग बात करें ओल्ड वाली, तो अभी यहाँ पर 5th लिस्ट आई है, ठीक है। कई लोग बोल रहे हैं यहाँ पर जो 6th लिस्ट नहीं आएगी, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, 6th लिस्ट भी बहुत जल्दी यहाँ पर आ सकती है, ठीक है। 5th लिस्ट यहाँ पर 2-3 दिन ही हुए हैं यहाँ पर आए हुए, 6th लिस्ट भी जारी की जाएगी। और रही बात इस वाले की, जो वैकेंसीज आई थी 12,828, इसकी भी यहाँ पर जो है बहुत ही जल्द फर्स्ट लिस्ट आने वाली है। अब यहाँ पर देखने की किसका कट ऑफ ज़्यादा जाता है, ठीक है। अगर आप लोगों ने यहाँ पर फॉर्म एडिट अच्छे से किया है तो आपको कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर आपने फॉर्म में यहाँ पर फिर से मिस्टेक की है तो आपको करेक्शन के टाइम बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि काफ़ी जो है कैंडिडेट्स के साथ यही प्रॉब्लम है। उन लोग को यहाँ पर जो है फॉर्म भरते टाइम उन लोगों ने गलत डिटेल्स डाली थी और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो लोग रिजेक्ट हो गए थे। तो आप लोग से यहाँ पर इस तरीके की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 2 दिन के लिए पोर्टल ओपन किया गया था, जिससे मैंने अच्छे से आपको बताया था कि आपको फॉर्म किस तरीके से एडिट करना है। ये आप देख सकते हैं, वीडियो मैंने बनाया हुआ था, ठीक है, किस तरीके से आपको अपना सर्कल चेंज कर लेना है, आपको जेंडर, अगर आपसे कोई दिक्कत हो गई हो, पोस्ट प्रेफरेंस में यहाँ पर आपको कोई दिक्कत हो गई हो, किस तरीके से आप करेक्शंस कर सकते हैं, सारी चीज़ मैंने आपको इस वीडियो में बनाई हुई थी, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर जो है अच्छे से वीडियो नहीं देखते और फॉर्म भरते टाइम गलती कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे ही कोई न्यू अपडेट आती है, फर्स्ट लिस्ट जारी की जाएगी तो आपको बता दिया जाएगा। 10-12 जुलाई से पहले यहाँ पर फर्स्ट लिस्ट आ सकती है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसी लिस्ट आएगी आपको सबसे पहले अपडेट में दे दूंगा। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। इसी तरह की जॉब अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।